फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आई नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इश्क में अंधी हुई शबनम की आंखें हमेशा के लिए बंद होने की घड़ी धीरे धीरे नजदीक आ रही है। उसके लिए अब सभी कानूनी रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद यह लगभग तय हो गया है कि अपने परिवार के 7 लोगों की कातिल शबनम को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। वह आजादी के बाद फांसी पर लटकने वाली देश की पहली महिला होंगी। उसे प्रदेश की मथुरा जेल में फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। बता दें कि मथुरा में महिलाओं के लिए फांसी घर आजादी से पहले करीब आज से 150 साल पहले बनवाया गया था, लेकिन वहां अब तक किसी को फांसी ही नहीं दी गई है। भारत को आजादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला को उसके आपराधिक कृत्यों के लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए मथुरा की जेल में तैयारियां भी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अप्रैल 2008 में प्रेमी के साथ मिलकर अपने 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। वहीं मेरठ के पवन जल्लाद मथुरा के फांसी घर में पहली बार किसी महिला को फांसी पर लटकाएंगे। पवन जल्लाद से बात करके पता चला कि वह 6 महीने पहले फांसी घर का दौरा करके आए थे, तो वहां कुछ बदलाव करने के लिए उसने कहा था। और यूपी के इकलौते महिला फांसी घर में आजादी के 63 साल बाद पहली बार किसी महिला को फांसी दी जानी है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।